दोस्तों, बराक ओबामा जो यूएसए के प्रेसिडेंट रहे 2009 से लेकर 2017 तक, 8 साल के लिए, उन्होंने अभी अपनी एक रिसेंटली बुक लॉन्च की है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उसी बुक के बारे में। मैं ब्रजेश वर्मा आपका स्वागत करता हूं लाइफ इजी चैनल पे। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट जो 2009 से लेकर 2017 के प्रेसिडेंट रहे हैं बराक ओबामा, उन्होंने अभी रिसेंटली अपनी एक बुक लॉन्च की है। उस किताब में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है और इंडिया के बारे में खासकर कई चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। इंडिया के बारे में उन्होंने डिस्कस किया, जो यहाँ की लीडरशिप है, जो यहाँ के अभी 50 साल के युवा नेता हैं उनके बारे में भी कुछ उन्होंने कमेंट किया है। और हाँ, हमारे जो एक दो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके बारे में भी कुछ उन्होंने लिखा है। और इस बुक में उन्होंने जो खास बात लिखी है इंडिया के बारे में, उन्होंने ये लिखा कि इंडिया उनके दिल में बसता है, दिल में। आप समझ रहे हैं, एक अमेरिकन प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट, अमेरिका जो सुपर पावर है वर्ल्ड का, उसके फॉर्मर प्रेसिडेंट ने लिखा है कि इंडिया मेरे दिल में बसता है। उन्होंने क्यों लिखा है ये सब और इसके पीछे क्या रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जब वो छोटे थे तो उनका बचपन इंडोनेशिया में बीता। इंडोनेशिया में जब वो रहते थे तो वहाँ पर उन्होंने महाभारत और रामायण की कथाएँ सुनी। कथाओं को सुन के वो इंडिया के बारे में इतनी सारी चीज़ें सोचने लगे, समझने लगे। वो इतना इम्प्रेस हुए इन कथाओं से और उसके बाद उन्होंने इंडिया के बारे में रिसर्च की, काफ़ी चीज़ें पढ़ी। और जब वो हायर स्टडीज़ के लिए गए तो उन्होंने इंडिया के बारे में और रिसर्च किया। उनको पता चला यहाँ पे इतनी भाषाएं बोली जाती हैं, इतना डाइवर्सिफाई कल्चर है इंडिया का। और उनके दिमाग पे जो एक इम्पैक्ट पड़ा हमारी महाभारत का और रामायण का, उससे वो इतना प्रभावित हुए कि इंडिया उनके दिल में बसने लगा। उन्होंने ये चीज़ अपनी किताब में लिखी है। और जब उन्होंने इंडिया के बारे में जाना, जब वो हायर स्टडीज़ में गए तो उनके कई दोस्त इंडियन भी थे, वहाँ से उनको रीति रिवाज पता चले इंडिया के। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम भारतीय होने के नाते हमें इस चीज़ पे प्राउड होना चाहिए कि एक सुपर पावर जो कंट्री है अमेरिका, उसके फॉर्मर प्रेसिडेंट के दिल में इंडिया बसता है। वो इंडिया से इतना प्यार करते हैं, जो भारतीय कल्चर है, जो भारतीय सभ्यता है, वो उनको इतनी अच्छी लगती है, उससे उनको लगाव है। जो भारत की कथाएँ हैं, जो भारत के पुराण हैं, जैसे महाभारत हो गई, रामायण हो गई, उससे वो बहुत प्रभावित हैं। तो आपको भारतीय होने पे गर्व होना चाहिए। और हाँ, अगर एक बाहर का बंदा, एक दूसरे देश का बंदा हमारी चीज़ों को इतना समझ सकता है, इतनी रिस्पेक्ट कर सकता है, तो आपको ज़रूर करना चाहिए, आपको इस चीज़ के लिए गौरवान्वित होना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अपना कोई फीडबैक देना तो कमेंट जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।